और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान गंगा तालाब भी जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति 108 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी है यहां पर, और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इससे पहले आ चुके हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत और कैसे ये मंदिर मॉरिशस के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने मंदिर के पुजारी तुली से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान गंगा तालाब भी पहुंचेंगी और यहां रास्ते में देखने को मिलेगी यहां 108 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति। यहां पर क्या खासियत है, बात करते हैं, हमारे साथ पुजारी दुली जी हमारे साथ में हैं। पहले मैं कहूंगा ओम नमः शिवाय। यहां पर गंगा तालाब है और यह हमारे भोलेनाथ 108 फीट ऊंचाई। मैं चाहता हूं कि जो यहां आएंगे अपने मनोकामना के लिए अपने वो दर्शन करने जरूर आना, यहां पर सब को बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। यहाँ नीचे भी कुछ शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 108 शिवलिंग है, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत यजमान बहुत शिव भक्त चाहते हैं कि दर्शन करने 108 शिवलिंग 108 बार वो ओम नमः शिवाय जल धारण करे तो उसको बहुत अच्छा है, उसको शांति मिलती है, उसको सुकून मिलता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 108 शिवलिंग स्थापना किया है। ओम नमः शिवाय। कितना लोग महत्व मानते हैं यहाँ मॉरिशस में भी, क्योंकि भारत में तो बहुत ज्यादा भगवान भोलेनाथ को पूजा जाता है। ना सिर्फ मॉरिशस, बहुत सारे शिव भक्त यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लगता है जब वो यहाँ दर्शन करने हैं, उसका मनोकामना मांगते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। और लोग यहाँ अपनी मनोकामना मांगने के लिए भी आते हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ न केवल 108 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, बल्कि यहाँ नीचे 108 शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज मॉरिशस।